What is up everyone? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग DOM एलिमेंट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे वेब डेवलपमेंट के वीडियोस को एक जगह रखा है। आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क करके यहाँ क्लिक करके इसको आप सेव कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut55.html। सॉरी tut56.html क्योंकि 55 मैंने ऑलरेडी बना लिया। और राइट सो 56 में बॉयलर प्लेट मैं लगाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा मैनिपुलेटिंग डॉम। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डॉम क्या होता है। डॉम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि आपने जो भी लिखा होता है अपनी बॉडी टैग के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसे लगा दूँ div डॉट कंटेनर, आप जो बॉडी टैग के अंदर या आपकी जो पूरी HTML है उसको एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपनी जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ UL और उसके बाद मैं लिख दूँ LI, तो मैं यहाँ पर MET लिख रहा हूँ सिंपल सी LI मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा मैं होम कॉन्टैक्ट सर्विसेज मोर अबाउट अस, मान लो कुछ इस तरह से मैंने एक पेज बना दिया है, मैंने सेव किया इसको। यहाँ पर अबाउट की जो स्पेलिंग है उसको ठीक करता हूँ और यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करके अपने इस पेज को लाइव देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो सर्वर है वो 5500 पोर्ट पर स्टार्ट हो गया है। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से इसको ऐसे देख सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू कंटेनर दिए, मैंने आईडी भी इसको दे दूँ और मैं आईडी इसको दे दूँ मेन कंटेनर या फिर आईडी सिर्फ मेन दे दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेट और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ मेन और उसके बाद लिखूँ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके बाद यहाँ पर लिख दूँ मेन, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग मेन करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर पाऊँगा अपने इस एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो अगर मैं अपना कंसोल खोलूँ तो ये एलिमेंट जो है, अगर मैं इस पर अपना माउस कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये मुझे बता दे रहा है कि ऊपर ये मेरी डॉम में कहाँ पर है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली अपनी जो डॉम थी उसको मैनिपुलेट करके उसका ये जो मेन आईडी में कंटेंट था वो ले लिया है। कूल इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ और फंक्शन हैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके बाद मैं अपने और एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने की, डॉम को नेविगेट करने की मेथड्स हैं जो कि हमको अपने HTML के कंटेंट को इधर उधर लेने में, या फिर कुछ ऐसा कह लो कि हम लोग एक एलिमेंट के अंदर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको आईडी इज इक्वल टू नेव कर दूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ नेव लेट नेव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से नेव कर दूँ और उसके बाद मैं अब नेव के अंदर की HTML को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं नेव के अंदर कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि इसके अंदर की HTML को चेंज कर दो। तो अभी तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग नेव करके दिखाता हूँ आप लोगों को और जैसे मैं ये करूँगा तो इस आईडी का एलिमेंट जहाँ पर भी मैंने आईडी दिया वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है और आप लोगों ने वीडियोस शुरू से देखे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोगों को मालूम होगा मैंने बात की थी आईडी और क्लासेस की और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक एलिमेंट को आईडी दे दी तो दूसरे एलिमेंट को भी आप वही आईडी दे दे रहे हो। आईडी बहुत ही यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने ऐसी आईडी दे दी जहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम आईडी है तो यहाँ पर इसको कन्फ्यूजन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट को कि कौन से एलिमेंट को यहाँ से उठा कर लें, जो कि एक बहुत ही गलत बात होगी। तो ये था हमारे पास डॉम नेविगेशन का, डॉम को नेविगेट करने का तरीका। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया नेव है, आप लोग यहाँ पर इसको कुछ इस तरह भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर आऊँ और यहाँ पर लिखूँ नेव डॉट इनर HTML तो मुझे नेव के अंदर की जो HTML है उसको एक स्ट्रिंग के तौर पर दे देगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इसने क्या किया, नेव के अंदर यानी कि जो नेव था मेरा, इसके अंदर जो HTML लिखी हुई है मैंने
उसने मुझको एज इट इज़ स्ट्रिंग के तौर पे दे दी। देखो जिस जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है नैव के अंदर की जो HTML है उसने मुझे स्ट्रिंग के तौर पर दे दी। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नैव डॉट इन HTML इज इक्वल टू, और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक एला एलिमेंट रह जाए अब नैव के अंदर, और वो रहे, उसका नाम मैं रख देता हूँ डायनामिक एलिमेंट। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और एंटर किया देखो ये डायनामिक एलिमेंट हो गया। तो मैं इसको जो है चेंज कर सकता हूँ, और ऐसा करके मैं बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स बना सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने एक बटन पे अगर क्लिक करूँ तो मैं हो सकता है अपने टेक्स्ट को चेंज होता हुआ देखना चाहूँ, तो वो सारे के सारे काम जो है मैं कर सकता हूँ। तो ये था हमारा एक तरीका एलिमेंट को ग्रैब करने का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से। तो आप बिल्कुल इस तरह से आईडी से एलिमेंट को आप ग्रैब कर सकते हो। लेकिन क्या क्लास से भी आप लोग ऐसा कर सकते हो? और अगर आप क्लास से ऐसा कर सकते हो तो फिर जो क्लासेस हैं हमारी वो मल्टीपल भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और डिव डॉट कंटेनर बना सकता हूँ, और उसके अंदर मैं अनदर कंटेनर लिख सकता हूँ। और ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट को मल्टीपल आप नहीं दे सकते। आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो, और एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग जो है कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और हम लोग यहाँ पर जो है इसको भी और आगे देखते हैं। तो इसको ज़रा करके देखते हैं अभी। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ लेट कंटेनर्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। देखो मैंने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का सिर्फ GEBCN लिखा और इसने मुझे सजेस्ट कर दिया। और ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है विजुअल स्टूडियो कोड का। अगर आप लोग कुछ इस तरह से करते हो तो बड़े आराम से आप लोग यहाँ पर इसको इस तरह से क्लिक करके क्लास का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अगर कंटेनर लिख दूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कंटेनर लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग एक HTML कलेक्शन मुझे मिल गई, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे कंटेनर मिल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एक तो ये कंटेनर है आपका, एक ये कंटेनर है आपका, दो कंटेनर है आपके जिसकी क्लास कंटेनर है। तो इस तरह से आप वो एलिमेंट्स जो है ले सकते हो। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से जो मैंने लिखा है यहाँ पर कंटेनर्स जो है, अगर मैं कंटेनर्स को कुछ इस तरह से लिखूँ कंटेनर 0 तो मुझे पहला कंटेनर मिल जाएगा, कंटेनर्स 1 लिखूँ तो मुझे दूसरा कंटेनर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल एरेज की तरह इसको इंडेक्स कर सकते हो, बड़े आराम से आप लोग जो है इनके अंदर के कंटेंट को ला सकते हो। तो ये था हमारा गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि इसका नाम ही गेट एलिमेंट्स बाय आईडी है, सॉरी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम नॉट आईडी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका नाम ही गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, तो ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिटर्न करता है जिनका क्लास क्या है, इस केस में कंटेनर है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की थी, एक CSS सेलेक्टर की बात की थी अगर आपको याद हो तो। क्या वो CSS सेलेक्टर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए? और उसका जवाब है हाँ बिल्कुल, हम लोग यूज़ कर सकते हैं CSS सेलेक्टर्स को। तो वो कैसे कर सकते हैं? और उसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो अगर मैं लेट सेलेक्टर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करूँ, और उसके बाद मैं एक सेलेक्टर लगा दूँ, जैसे कि मैं डॉट कंटेनर लगा देता हूँ, तो ये एक एलिमेंट जो कि भी पहला एलिमेंट इस सेलेक्टर को मैच करेगा वो रिटर्न कर देगा। इस केस में मैंने कह दिया है कि डॉट कंटेनर, यानी कि जिसकी क्लास कंटेनर हो उसे रिटर्न कर दो। कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टर रिटर्न्स, और यहाँ पर ही क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेरा जो रिटर्न कर रहा है उसको मैं प्रिंट करता हूँ। ये देखो सेलेक्टर रिटर्न्स, ये यानी कि ये मेरा रिटर्न कर रहा है, पहला कंटेनर रिटर्न कर रहा है जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर जितने भी तरह के CSS सेलेक्टर्स हमने पढ़े थे ऑलमोस्ट सारे आप वहाँ पर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैं अगर आईडी लेना चाहूँ, मैं हैश मेन करूँ या हैश नैव करूँ, तो ये क्या करेगा, सेलेक्टर रिटर्न करेगा मेरा नैव, क्योंकि इसकी आईडी नैव है, ये हैश नैव को मैच कर रहा है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, वो सारे जो स्यूडो सेलेक्टर पढ़े थे हमने, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी CSS स्किल्स का इस्तेमाल करो, और CSS स्किल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर मुझे दिखाओ आप लोग कि किस तरह से आप लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ नैव और इसके अंदर एल आए, तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, सेलेक्टर ने रिटर्न कर दिया मुझे, अभी तो यू एल रिटर्न किया, लगता है मैंने सेव नहीं किया इसको,
नैव एल आई, वो मैंने गलत जगह पे लिख दिया इसको, माई बैड। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ नैव एल आई, तो ये देखो इसने क्या किया, मुझे पहला एल आई रिटर्न कर दिया। अब एक हमारा मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट, मैं इसको कुछ इस तरह से अभी कमेंट करता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको दूसरी लाइन में आप लोगों को समझाता हूँ। एक होता है हमारा क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, सारे के सारे सेलेक्टर्स, सारे के सारे जो मैच कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, उनको रिटर्न करता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में सारे एल आई मिल जाएंगे मुझे जो नैव के अंदर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इससे नोड लिस्ट रिटर्न करी, 1 2 3 4 5, आप लोग पाँचों के पाँचों एल आई को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको चेंज करा सकते हैं, इनके साथ आप कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, और क्वेरी सेलेक्टर्स, क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है ऑल मैचिंग एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। सो आई होप ये एकदम आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है और भी देखेंगे टाइम के साथ, जैसे कि हमारे पास एक गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम भी होता है, और हमारे पास एक गेट एलिमेंट्स बाय नेम होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग मेन अपना यूज़ करो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्वेरी सेलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी, इन तीनों को अपना हथियार बना के आप अपनी कोडिंग करो जावास्क्रिप्ट की, वेबसाइट्स बनाने के उसमें, और आप लोग जो है एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग आगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोग को बेसिक आइडिया यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग डॉम में से निकाल सकते हैं और उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर पहले एल आई को चेंज करना चाहता तो मैं लिख सकता था कि एस सी एल 0.innerHTML इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ एस सी एल 0, और मैं फिर यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, मान लो इंसर्टेड, मान लो मैं कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ इंसर्टेड। तो देखो यहाँ पर ये इंसर्टेड हो गई। अगर यहाँ पर इसको मैं इंसर्टेड 2 करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो इंसर्टेड 2 हो गई। इंसर्टेड 3 करना चाहता हूँ, इंसर्टेड 3 हो गई। अब मैं इसको अगर प्रिंट भी करूँगा तो मुझे लेटेस्ट जो इंसर्टेड 3 है वो दिखाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर डॉम के जो डॉम की वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। एंड आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, और हम लोग इसको डायनेमिक वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। उन्हें बताएं कि यहाँ पर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम लोग सारी की सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे अपने कॉलेज या फिर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो लोगों को लेकर आएँ, लोगों को बताएँ यहाँ पर ये कोर्स चल रहा है। और मेरे हिसाब से एक दूसरे को हम बताकर जागरूक करेंगे, और लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे कोर्स हिंदी में चल रहा है, तो शायद लोग भी अच्छी तरह से वेब डेवलपमेंट सीख पाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सारा सोर्स कोड जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ ये प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।